सारी बंदगी। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि धन जोबन को गर्व न कीजिए, धनवान होना गुनाह नहीं है, लेकिन धनवान होने का जो अभिमान हो जाता है वो अभिमान तुमसे गुनाह कराने लग जाता है। धनवान बनो लेकिन धनवान होने का अभिमान ना करो। धन बढ़े लेकिन धन का अभिमान ना बढ़े। आपके पास गाड़ियां बढ़े लेकिन गाड़ियों का अहंकार ना बढ़े। फैक्ट्री लगाओ लेकिन अहंकार की फैक्ट्री मत लगाओ। मकान ऊंचा बनाओ लेकिन नम्रता इतनी रखो कि नमस्कार कहीं छूट न जाए, क्योंकि अहंकार मनुष्य को नीचे गिराता है। अभिमान प्रेम को नष्ट करता है। बड़े बड़े काम करो लेकिन अभिमान न करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। स्वभाव को सरल बनाइए, जितना लाभ अपने को मिल जाए उसमें संतोष भी रखिए। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतश्च एतश्च धावता। यदि कभी कर्जे में डूब जाओ तो एक बात सावधानी रखना, किसी को बताना मत कि मैं कर्जे में डूबा हूं। जितना प्रचार करोगे मैं कर्जे में डूबा हूं डूबा हूं डूबा हूं, तो जो कसर बची है डूबने की वो भी लोग डूबा देंगे तुमको। इसलिए बताना मत। तुम ये कहो कि बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा मेरे पास है, हाँ जिस दिन चाहूं उसी दिन ट्रक निकाल दो। अभी पूरे कबीर पंथ में चर्चा है कि असंग साहेब जो है बहुत धनवान संत। अब धनवान जितना हो तो मैं ही जानता हूं। धनवान तो नहीं लेकिन इतना जरूर है कंगाल भी नहीं, और इतना भी जरूर है हम किसी को बताते ही नहीं क्या है स्थिति। सब ठीक है और हिम्मत कभी हारते नहीं। और लोन लेना चाहिए आपको, लेकिन लोन अदा करने के लिए हिम्मत भी रखना चाहिए, मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए। और नारी का कर्तव्य है अपने पति के मनोबल को बढ़ाने वाले शब्दों का प्रयोग करे। ऐसा स्वभाव ऐसा व्यवहार ऐसी बातचीत पति से करे कि पति का मनोबल कभी डाउन ना हो। और याद रखना तुम कितने गहरे कर्जे में डूब गए हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर मनोबल है आत्मबल है बुद्धि बल है और श्रम बल है तो आपका कर्जा छोटा है, तुम कर्जे से बहुत बड़े आदमी हो, सब अदा हो जाए। कितने लोगों पर कर्जा हो जाता है तो दुखी होकर रोने लग जाते हैं। दुखी नहीं होना है और बताना भी नहीं। हाँ सबको मत बताओ, बताओगे तो रिश्तेदार भी तुमको छोड़ने लग जाएंगे, मित्र भी मुंह मोड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ये संसार में जितने तुम्हारे मित्र हैं इसमें 2% सच्चे मित्र हैं, 98% केवल चाय और गुलगुल भजिया खाने वाले मित्र हैं। ये मौके पर खिसक जाएंगे, रिश्तेदार भी खिसक जाएंगे, लेकिन तुम खिसक कर कहां जाओगे। तुम धैर्य रखो। पारिचिकारणम धीरम अत्यंतम श्री निर्सेवते धृत दंडम विकारिषु जितात्मनः वश्य आत्मानम्। विदुर जी कहते हैं, ये श्लोक को मैं उल्टा पढ़ाऊं, सीधा इस तरह से है कि वश्यात्मानम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है और गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है, और पारिच्छिकारणम जो सोच परख करके सही डिसीजन लेकर कार्य करता है। सही डिसीजन लेना सीखो, गलत डिसीजन पर पैसे मत खर्च करो, श्रम मत खर्च करो, फालतू काम मत करो। और धीरम अत्यंतम,
जिसके पास अत्यंत धैर्य है, जिसके पास बहुत बड़ा धीरज है। स्त्री निरसेवते, लक्ष्मी उसकी रात दिन सेवा करती है, रात दिन सेवा करती है। चंद्रपाल वहां चले जाइए, यहां मत बैठिए, बच्चों को पकड़ के भगाओ, यहां यहां शोरगुल मत मचाए, खेल का मैदान नहीं है। कंट्रोल करने वाले कृपया शांत न रहे, चौकन्ना रहे, और इतना कंट्रोल करो, ये पुलिस वालों को बोलो ये भी कंट्रोल करें। कौन है पुलिस वाला, आ जाओ इधर। धमतरी की पुलिस को भी हम धन्यवाद देते हैं, वो बहुत भक्त आत्मा है। हमसे ऐसे पूछते, गुरुजी यहाँ क्यों रुके हो आप? हमने कहा गाड़ी पीछे रह गई, तो गुरुजी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। भक्ति भाव से पुलिस के लोग भी सेवा करते हैं, हालांकि वो शासन का आदेश होता है, वहां से आते हैं, लेकिन फिर भी वे भक्ति की तरह हमारे साथ रहते हैं। ऐसे पुलिस जवानों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है, शुभकामना। और कम से कम मेरे साथ में 2-4 हजार पुलिस जवान, 2-4 हजार मिलिट्री जवान भी भक्त है और प्रोग्राम कराते हैं। और नेता भी बहुत भक्त है, इसलिए नेता को मैं ज्यादा झाड़ता नहीं, क्योंकि दुखी हो जाएगा, किसी को ज्यादा फटकार दोगे तो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे नेता है, सांसद है, विधायक है, मिनिस्टर है, रात में 1 बजे प्रवचन सुनते हैं, अब कहते हैं प्रवचन से ही नींद आती है, भले इतनी टेंशन हो जाती है, आपका प्रवचन सुनते सुनते सो जाता हूँ। मैंने कहा मेरा प्रवचन सुलाता भी है और जो माया की नींद में सोया है उसको जगाता भी है, दोनों काम कर देता है। मनुष्य का रूप है, कुछ थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है, उसको क्षमा भी कर दीजिए। तो क्या सुना रहा था मैं बताओ? धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल ले, ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर, जवानी का भी अहंकार मत करिए, क्योंकि जवानी जाती है फिर कभी आती नहीं है, और बुढ़ापा आता है फिर कभी जाता नहीं है, अब बचपन आता है पर तुम समझते नहीं हो, इसलिए सबसे प्रेम से रहो, युवा अवस्था का भी अभिमान मत। जवानी में काम वासना की तरफ भी कूदो फांदो मत, इधर उधर चंचलता मत करो, जवानी को कंट्रोल रखो, क्योंकि जवानी तो चली जाएगी लेकिन जवानी की गलतियों का पाप ताप संताप वो बुढ़ापे तक भोगना पड़ेगा, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, इसलिए चंचल जवानी को बस में कीजिए, ऐसी गलतियां ना हो जाए कि जवानी की गलतियों से बुढ़ापा भी नरक हो जाएगा, ऐसी गलतियां मत करो। लड़कियों से भी मैं निवेदन करूंगा, जवानी अवस्था में किसी की तरफ आकर्षित होकर के आप गलतियां ना करना, और अपनी मर्यादा में रहना, पत्नी को भी मर्यादा में रहना चाहिए, पति को भी मर्यादा में, जो पति पत्नी बने हो तो आप दोनों मिलजुल करके रहो, फिर झगड़ा लड़ाई भी मत करो, क्रोध मत करो, घर में कलह क्लेश मत करो, दोनों पति पत्नी संकल्प लो कि प्रवचन सुनेंगे और उन्नति करेंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, क्योंकि जिस पुरुष को पत्नी का सहयोग नहीं मिलता है वो पुरुष उन्नति नहीं कर पाता है, घर की खींचातानी में पड़ा रहता है, और जिन बेटों को अपने बाप का सहयोग नहीं मिलता है बेटों को असमंजस लगता है। हर पिता को भी सावधान रहना चाहिए, अगर आपका पुत्र 25 वर्ष से ऊपर उम्र का हो चुका है, कारोबार संभाल रहा है, उसको आप थोड़ा आजादी भी दीजिए, मौका भी दीजिए, और उसको धन भी दीजिए, प्रॉपर्टी दीजिए, और उसको आगे बढ़ने के लिए अवसर दीजिए, क्योंकि आदमी की उन्नति का अवसर केवल 50 साल की उम्र तक रहता है, फिर शरीर डाउन होना शुरू हो जाता है, तब तक तुम अपनी मुट्ठी में रखोगे तो बेटा बूढ़ा हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, इसको अवसर दीजिए। कितने माँ बाप को डर रहता है कि बेटा सब बिगाड़ देगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तुमने क्या किया है आज तक, कौन ढेर लगाया, कुछ नहीं बिगाड़ देगा, तुम्हारी तरह ये गंदे कपड़े नहीं पहनकर घूमेगा, बस इतना अच्छा रहेगा, क्यों बिगाड़ देगा। हमारे गुरुजी से एक संत ने कहा कि
ये तुम्हारा चेला जो असंग है ये छोटा है, इसको अभी क्यों बना दिया तुमने अधिकारी इतना बड़ा? तो गुरु जी ने कहा ये छोटा है, मेरा शिष्य है, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा प्रखर बुद्धिमान है, अब इसके हाथ में कमान दूंगा तभी गजब होने वाला है। मैं 21 साल की उम्र में आया, 22 साल की उम्र में कमान दे दिया, 23 साल की उम्र में हमने जय बजरंग बली बोल के स्टार्ट कर दिया। हमारा गुरु पैदल चलता था, आज मेरे गुरु के पास में 25 गाड़ियां हैं, 25 गाड़ियां लाइन लगी है, और मेरे गुरु जिस प्रदेश में निकल जाए हर 10 किलोमीटर पर स्वागत करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। जवानों से भी काम लीजिए और जवान चेलों को भी काम करना चाहिए, जवान पुत्र को भी काम करना चाहिए, जवानी व्यर्थ न चली जाए कहीं, ये भी देख लेना। धन जोवन को गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे, जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो न मोल रे। युक्ति पूर्वक आप अपने जीवन में जागो, माया की नींद से जागो, मोह की नींद से जागो, लोभ की नींद से जागो, ऐसी युक्ति सीखो सत्संग से जाकर के, तो तुम्हारा जीवन रंग महल हो जाएगा। अभी तो तंग महल है, भंग महल है, बेरंग महल है, ये सुख शांति का रंग बरस जाएगा। जाग जुगत सो रंग महल में पी पायो अनमोल रे, तब तुमको अपने पिया का बोध होगा कि मैं आत्मा क्या हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। इसका जब बोध हो जाएगा, इसका बोध होने के बाद तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। सुन महल में दियना बरले आसन सो मत डोल रे, जो आज तक तुम्हारा जीवन सोना सोना व्यतीत हो रहा है वहां पर ज्ञान का दीपक जला दीजिए। सुन महल में दियना बरले, बरले माने जलाना, जला दीजिए। आसन सो मत डोल रे, जो तुम्हारा वैराग्य का आसन है, श्रद्धा का आसन है, भक्ति का आसन है, उससे डगमगाओ मत। आप भक्ति पर जम के बैठे रहो और भक्ति का प्लेटफार्म छोड़ो मत, श्रद्धा का प्लेटफार्म छोड़ो मत, वैराग्य और ब्रह्मचर्य का आसन जमाओ। बाहर का आसन कोई आसन नहीं है, असली आसन तो श्रद्धा का आसन है, भक्ति का आसन है, वैराग्य का आसन।